ओके दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी फ़ोन का अगर पैटर्न अनलॉक करना है, जैसे आप पैटर्न भूल गए हैं, आपको कोई पैटर्न याद नहीं आ रहा है, तो आप उसे कैसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। 5 मिनट में आप उसको पैटर्न को हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इस फ़ोन में देखिए, पैटर्न मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए एक गलत पैटर्न डाल के बता रहा हूँ। अभी ये पैटर्न अनलॉक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिए। मैं फ़ोन को पावर ऑफ कर लेता हूँ। फ़ोन पावर ऑफ होने के बाद हमें क्या करना है, ये पावर बटन और ये वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, 1 2 3। एक आपको इस तरह का कुछ पेज खुलेगा, तो उसमें आपको ढूंढना है कि यहाँ पे कहीं रिकवरी मोड दिख रहा है क्या लिखा हुआ। यहाँ पे अगर रिकवरी मोड नहीं दिख रहा है या फैक्ट्री डेटा रिसेट नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो हमें रिकवरी मोड ढूंढना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो इस वॉल्यूम अप डाउन से हम अप डाउन कर सकते हैं और पावर से ओके कर सकते हैं। तो वॉल्यूम अप डाउन से हम अप डाउन करेंगे। रिस्टार्ट बूट लोड लिखा है, रिकवरी मोड, हमको रिकवरी मोड चाहिए था, तो रिकवरी मोड में हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के लिए पावर बटन दबाना है, हमने पावर बटन दबा दिया। वेट करेंगे 5 सेकेंड के लिए। देखिए, इस प्रकार का एक पेज खुल गया है, एक एंग्री बर्ड जैसा कुछ लोगो दिख रहा है। फिर ये लोगो दिखने के बाद हमें क्या करना है, पावर बटन दबाना है और जस्ट वॉल्यूम अप बटन दबानी है। पावर बटन दबाने के बाद जस्ट पल भर में दबानी है। जैसे कि मैं पावर बटन दबा दिया और वॉल्यूम अप बटन दबा दिया, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, वॉल्यूम डाउन करेंगे तो रिबूट टू बूट लोड अप्लाई अपलोड। हमें जाना है स्वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट, आप देख रहे हैं स्वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट। फिर हमें पावर बटन को दबा के इसे इंटर ओके कर देना है। पावर बटन मैं दबा देता हूँ। ये ओके होने के बाद पूछ रहा है कि मतलब नो करना है या यूजर ओनली फैक्ट्री रिसेट करना है या यूजर प्लस पर्सनल डेटा भी, तो हम इसमें यूजर एंड पर्सनल डेटा भी कर देंगे, जिससे ऑल मोबाइल हार्ड रिसेट हो जाएगा। तो हमें इसे इंटर करने के लिए पावर बटन का उपयोग करना है। मैं एक पावर बटन दबा दे रहा हूँ, 5 सेकेंड का वेट करना है। हो सकता है आप में कुछ ज़्यादा सेकेंड लग सकते हो, कुछ ऐप वगैरह बहुत ज़्यादा हो तो उसे हार्ड रिसेट होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड लग सकता है। थोड़ा वेट कीजिए जब तक ये पेज ना आ जाए। ये पेज आने के बाद रिबूट सिस्टम नाउ में ओके कर देना है इस पावर बटन से। वेट करना है कुछ देर तक। ओके दोस्तों, ये तो फोन खुल चुका है, आगे बढ़ेंगे। गेट स्टार्ट, सेटअप इन न्यू,
बताओ ना। फोन का नेटवर्क वीक होने की वजह से थोड़ा देर लग सकता है। मेरा यहाँ पे फोन का नेटवर्क थोड़ा वीक है, फोन का नेटवर्क अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ी देरी लग रही है। हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। ओके दोस्तों, फोन रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।